नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागिंद्र मिश्रा चैनल पर। 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 6 राशियां होंगी करोड़पति। दोस्तों, 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से इस बार बन रहा है दिव्य और दुर्लभ महाशिव संयोग महालक्ष्मी योग। 12 राशियों से 6 राशियां होंगी करोड़पति माला माल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से 15 जनवरी 2024 मकर संक्रांति के दिन बन रहे धन लक्ष्मी प्राप्ति योग महालक्ष्मी योग में 12 में से 6 राशियों की किस्मत चमक जाएगी। स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी अभिन 6 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट दूर करने वाली हैं। खुद धन की देवी माँ लक्ष्मी मकर संक्रांति के दिन इन 6 राशि वालों के घर पधार रही हैं, जिससे इन 6 राशि वालों के जीवन में आने वाली है मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे इन 6 राशि वालों का जीवन और भाग्य बदल जाएगा। दोस्तों, वो खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है जो 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन धन से मालामाल होने वाली हैं? दोस्तों, इनके ऊपर अपार खुशियां माता लक्ष्मी जी लुटाने वाली हैं। दोस्तों, इन 6 राशि वालों को करोड़पति बनने से अब स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता। आज हम इस वीडियो में इन्हीं भाग्यशाली राशियों के बारे में बताएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो इन राशि वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को कई नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तरायण, पोंगल, खिचड़ी आदि। वैसे तो मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को आती है, लेकिन इस बार 15 जनवरी के दिन बनी रहेगी, क्योंकि लोगों के मन में कंफ्यूजन जो बना हुआ है वो दूर कर देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, 14 जनवरी को नहीं बल्कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी, क्योंकि 14 जनवरी की रात्रि 2:00 यानी कि 15 जनवरी को प्रातःकाल 2:33 पर सूर्यदेव का धनुष मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी वजह से दोस्तों 15 जनवरी का दिन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। सूर्य उदय यानी कि जब होगा स्नान ध्यान का जो समय रहेगा वो 15 जनवरी ही मान्य होगा। तो सभी धर्म कर्म जो कार्य हैं इसलिए 15 जनवरी को करें। उदया तिथि के चलते आप 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर सुबह 7:15 से शाम 5:46 तक का जो समय रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा, पुण्यकाल का समय रहेगा। इसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मकर संक्रांति के दिन तीर्थ स्थल पर स्नान करना बहुत ही पुण्यकारी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें कि घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। साथ ही साथ यदि आप स्नान दान आदि से निवृत्त हो जाए तो सर्वप्रथम तो अपने घर पर पूजा स्थान को साफ सफाई कर लें, वहाँ पर पूजा करें और फिर पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान जरूर करें। दोस्तों, बता दें कि अन्य वस्त्र का दान इस दिन जरूर करें और मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का सेवन करना सर्वश्रेष्ठ है, खिचड़ी का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन दान जरूर करें ताकि सभी मनोकामनाएं मां लक्ष्मी जी की कृपा से पूर्ण हो, क्योंकि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र की राशि शनि की राशि यानी कि मकर राशि में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, बता दें कि इस बार कई दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग भी बन रहा है। दोस्तों, अगर इस दिन आप अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं और गरीबों को दान करते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है और आपकी गरीबी तत्काल दूर होती है। माता लक्ष्मी के साथ सूर्यदेव की भी पूजा जरूर करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके कुंडली में मंगल दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष जो भी दोष हैं सभी दोष दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दिन मकर संक्रांति के दिन आप कुछ न कुछ उपाय जरूर करें, जो भी श्रद्धा हो उसी हिसाब से उपाय करें और पूरे घर में दीपोत्सव जरूर मनाएं। दोस्तों,
इस दिन मकर संक्रांति के दिन कई दिव्य दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, जिनकी वजह से माता लक्ष्मी कृपा इन छह राशि वालों पर पड़ रही है, जिनकी वजह से ये छह राशि वालों की किस्मत सातवें आसमान पर रहेगी। ये बन जाएंगे मकर संक्रांति के दिन करोड़पति धन से मालामाल। तो आइए जानते हैं इस लिस्ट में सबसे पहली जो भाग्यशाली खुशनसीब राशि का नाम आता है दोस्तों, वो है यहाँ पर मेष राशि का। मेष राशि को बता दें कि इस बार मकर संक्रांति के दिन कई दिव्य दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे माता लक्ष्मी कृपा आपके ऊपर बन रही है, जिससे अब आपके दिन के वारे न्यारे होने वाले हैं। आपके चांद और ग्रह सभी आपका सपोर्ट करेंगे। बिजनेस व्यापार में भी आपको लाभ होगा, कैरियर में सुधार होगा। जो कार्य अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। नजदीकी मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा कर पाएंगे। व्यापार में आपको अत्यधिक लाभ होता हुआ नजर आएगा। कारोबार से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण यानी कि लाभ होगा। नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा कर पाएंगे। व्यापार में आपको बहुत ही लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि यह समय आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। नजदीकी मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा और कुछ विशेष उपलब्धि भी प्राप्त होती नजर आएगी। बता दें कि यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, गोल्डन पीरियड साबित होगा। अगली भाग्यशाली राशि है दोस्तों, बता दें वो है कर्क राशि। कर्क राशि को अभी इनकम भी बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में लाभ भी मिलेगा और बिजनेस व्यापार में भी तरक्की मिलेगी। पति पत्नी के बीच संबंध काफी मधुर रहेंगे और इस बार मकर संक्रांति पर माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से विदेश जाने का मौका मिलेगा। विदेश से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य रुका हुआ था तो वो कार्य पूरा होता नजर आएगा। बता दें कि लिखा पढ़ी का मामला भी सॉल्व होगा और इसमें आपको बहुत बड़ी खुशखबरी कोई मिल सकती है, चाहे ससुराल पक्ष से हो, संतान की ओर से हो, या फिर आपके जीवन साथी की ओर से हो। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, जमीन प्रॉपर्टी में इजाफा प्राप्त होगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करने का प्रयास भी करेंगे तो सफलताएं भी प्राप्त होती नजर आएगी। लगातार आमदनी में वृद्धि होगी, कई ऐसे कार्य बनेंगे जो काफी समय से अधूरे थे, पेंडिंग कामों को पूरा कर पाएंगे। व्यापारिक क्षेत्र में काफी लाभ देखने को मिलेगा और धन संपत्ति में भी आपको अधिक लाभ होगा और रुके हुए तमाम कार्य पूरे होंगे। समाज में आपको लाभ होगा। नौकरी विदेश जाने का योग बन रहा है तो विदेश में भी नौकरी मिल सकती है। अब अगली तीसरी भाग्यशाली राशि आती है दोस्तों, बता दें वो है तुला राशि। तुला राशि को इनकम भी बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में लाभ भी मिलेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से बता दें कि बिजनेस व्यापार में तरक्की मिलेगी, कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होगी। साथ ही साथ रुका हुआ फंसा हुआ धन तो प्राप्त होगा ही होगा। बैंक से लिखा पढ़ी का मामला सॉल्व होगा, कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। माँ लक्ष्मी कृपा से आपके इनकम के सोर्स बढ़ते नजर आएंगे। जमीन प्रॉपर्टी खरीदारी कर सकते हैं, जमीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। जॉब को लेकर भी परिवर्तन होगा, ट्रांसफर और पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। भाई बहनों में प्रेम संबंध बना रहेगा तो वहीं पिता के सहयोग से भी धन की प्राप्ति होगी, अनेक क्षेत्रों से धन का लाभ होगा। अब अगली भाग्यशाली राशि है दोस्तों, चौथी, वो है मकर राशि। मकर राशि को इनकम भी बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में लाभ भी मिलेगा और जो कार्य रुके हुए थे उन कार्यों में सफलता भी प्राप्त होगी। बता दें कि अब आपके प्रयास से मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा, यानी कि शिक्षा में सुधार होगा, कोई महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। साथ ही शिक्षा पूर्ण होते ही नौकरी में भी सफलता प्राप्त होगी और प्रमोशन के योग भी बनेंगे, वेतन में वृद्धि भी होगी। कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, तमाम तरह के कार्य पूर्ण होते नजर आएंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। सफलताएं चरम सीमा पर रहेगी क्योंकि यह समय काफी अच्छा रहेगा। आमदनी के सोर्स नए बढ़ेंगे, रुपए पैसे में बढ़ोतरी होगी। व्यापार को दुगना धन लाभ के साथ देखेंगे, साथ ही साथ आप इसमें किसी के सहयोग से भी लाभ होगा, मित्रजनों का सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा, वैवाहिक जीवन में जो उतार चढ़ाव बना था वो दूर होगा। माता लक्ष्मी कृपा से मकर संक्रांति के दिन अब आपकी किस्मत चमकेगी। मकर संक्रांति के दिन अब आपकी लॉटरी लगेगी, इनकम के शोर से बढ़ने से काफी भाग्यशाली रहेंगे दोस्तों। अब पांचवी जो भाग्यशाली राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि को इनकम भी बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में लाभ भी मिलेगा और धन व्यापार में अत्यधिक मुनाफा भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ बता दें कि किसी के माध्यम से भी धन का प्राप्त होगा, समाज से भी रहेंगे, समाज में मान सम्मान राजनीतिक मसले हल होंगे। साथ ही साथ बता दें कि घर में जो अवैध जातक है, विवाह के योग रिश्ते आएंगे जिससे घर में खुशियां रहेंगी। किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, धर्म कर्म से संबंधित कोई महत्वपूर्ण गुड न्यूज प्राप्त होगी। बता दें कि इसमें दान दक्षिणा करते नजर आएंगे, किसी की हेल्प करते नजर आएंगे जो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। माता लक्ष्मी कृपा से विदेश में कोई बिजनेस व्यापार करें, फिर विदेशी कंपनी से जुड़े हुए हैं तो विशेष लाभ होगा, यानी कि घर परिवार में भी अनसुलझे मुद्दे सुलझेंगे। कई महत्वपूर्ण जमीन प्रॉपर्टी को लेकर जो पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था वो अब निपटारा होगा और कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी। चारों दिशाओं से आपकी ख्याति बढ़ेगी, लाभ भी मिलेगा। अब दोस्तों भाग्यशाली जो छठवीं राशि आती है वो है कन्या राशि।
कन्या राशि को अब आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, प्रयास जारी रखेंगे, हर क्षेत्र में तो लाभ होगा। बिजनेस व्यापार में कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होगी। साथ ही साथ बता दें कि रुपए पैसे की आमदनी में तेजी देखने को मिलेगा। आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी, जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे विशेष लाभ होगा। व्यापार में गति मिलेगी, शेयर मार्केट में लाभ होगा। साथ ही शेयर मार्केट में पहले से इन्वेस्ट कर रखा था, दुगना धन लाभ होगा। लॉटरी सट्टा से लाभ होगा। साथ ही साथ बता दें कि कहीं से भी आपको गुप्त रूप से धन मिलेगा, लेकिन कोई महत्वपूर्ण अपनी बातें शेयर किसी से ना करें, वरना नुकसान होगा। गाड़ी वाहन की खरीदारी करेंगे, सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, घर परिवार में बड़ी जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, इन छह राशियों पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा इस बार मकर संक्रांति के दिन बन रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप लोगों को भी अपनी राशि का हाल जानना है तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिए, और वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव।